सो हेलो डी योर स्टूडेंट्स लेटर स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी सी ओ डी आर प्लेसड एट राइट एंगल्स टू ई अदर विद वन अबब द अदर सच दैट ओ इज दर कॉमन पॉइंट ऑफ अर दू कर पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस टी फ्राम ओ एंड इट विल बी परपेडिकुलर टू बोथ द वायर्स एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्डेड पॉइंट पी तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन कह रहा है या मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है तो यहां पे क्या है आपके पास एक वायर है सी ओ डी ये वायर है पिंक कलर की इसमें करंट जा रहा है आई टू इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ ठीक है दूसरी वायर है आपके पास ए ओ बी इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ ठीक है ना आई वन करंट है इसमें इन दोनों वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है और इस डी पॉइंट डी डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट है पी इस पी पॉइंट पे दोनों वायरस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है क्योंकि दोनों इन्फेनाइट वायरस हैं और इन्फेनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर जैसे ये इन्फेनाइट वायर है तो इससे आर डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है म्यूनोट आई बाई टू पाई आर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है सीधी सी बात है <coughs> तो पहली वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी दूसरे की हो जाएगी म्यूनोट आई टू बाई टू पाई डी कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें डायरेक्शन देखते हैं तो <coughs> फर्स्ट वाली वायर ले लेते हैं ए ओ पी एओ बी नीचे की तरफ इसमें करंट जा रहा है जो पॉइंट है वो इधर प्रेजेंट है ठीक है मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लिया है ठीक है तो अगर मैं राइट हैंड से इसको होल्ड करता हूँ तो मेरे राइट फिंगर्स कैसे कल हो रहे हैं ऐसे कल हो रहे हैं मेरे फिंगर्स ऐसे ठीक है ना तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे घूम रही होंगी तो अगर यहां पे जो पॉइंट होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी यहां पे पॉइंट इधर होगी यहां पे इधर होगी यहां पे इधर होगी तो मेरे को तो इस पॉइंट पे चाहिए तो इधर होगी ठीक है ना ऐसे सर्कल बन रहा होगा और इस पॉइंट पे मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसकी डायरेक्शन होगी इधर तो ब्लू वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बीम इधर अब बात करते हैं सीओ पिंक वाली वायर उसमें करंट जा रहा है ऐसे पॉइंट है यहां पे ठीक है ना ये दोनों ये जो पॉइंट है ये डी जो पी पॉइंट है इस वायर के लिए भी और इस वायर के लिए भी दोनों से परपेंडिकुलर है है ना परपेंडिकुलर तो अब करते हैं पिंक वाली वायर की बात ये रही पिंक वाली वायर ये डी डिस्टेंस राइट हैंड से होल्ड कर लेता हूं इसको ठीक है ये करंट की डायरेक्शन है तो फिंगर्स ऐसे कल हो रही है मेरी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगी तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी ठीक है ना क्योंकि फिंगर्स मेरी ऐसे घूम रही है तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट के टेंजेंशियल होती है तो यहाँ पे ऊपर होगी इधर ऐसे होगी इधर नीचे होगी और यहाँ पे नीचे इधर होगी ठीक है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी वर्टिकली अप अपू तो एक तो हो रहा है आपके पास बी टू ऊपर की तरफ और एक राइट की तरफ दोनों में एंगल कितना नाइन्टी डिग्री तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं अब हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे

प्लस यहां पे आएगा आई टू स्क्वायर ठीक है और ये किसके अंदर है ये आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट का मतलब पावर वन बाय टू ये हो गया अपना आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग